नमस्कार दोस्तों, आज का जो मेरा व्लॉग है वो है मेरे सारपास ट्रैक के एक्सपीरियंस के बारे में। सारपास की जो ऊंचाई है दोस्तों 13,700 फीट इतनी है और सारपास हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सारपास ट्रैक आपका कसोल से स्टार्ट होता है और कसोल आने के लिए आपको चंडीगढ़ से बसेस चलती है जो कि आपको भुंतर पे छोड़ती है और भुंतर से आप आ सकते हैं कसोल। तो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं कसोल से ग्रहण, जो कि 10 किलोमीटर का ट्रेकिंग रहने वाला है और 30 लोगों का ग्रुप है हमारा, वाई सभी लोग हैं साथ में। आज ग्रहण तक का ट्रेक है, चलिए। बेस्ट सीजन टू डू सारपास ट्रेक इज फ्रॉम मिड अप्रैल टू जून, लेकिन अगर आप अप्रैल और मई में अगर ये ट्रेक करते हैं तो आपको वेदर जो है बहुत ही मॉडरेट मिलेगा और स्नोफॉल भी देखने को मिल सकता है और नगरू बेस कैंप से आगे आपको बर्फ़ मिलेगी। वहीं अगर आप जून में जाते हैं तो वो बर्फ़ पिघलने लगती है दोस्तों, और इसकी वजह से जो ट्रेक है वो इजी टू मॉडरेट हो जाता है, लेकिन जो मज़ा आपको अप्रैल एंडिंग या फिर मई के फर्स्ट वीक में आएगा वो जून में नहीं आएगा दोस्तों। जून में आपको देखने को मिलेगी ग्रीन लश, क्योंकि तब बर्फ़ पिघल के सब वहाँ पे जो पहाड़ है वहाँ पे हल्की सी घास आ जाती है, लेकिन मई में आपको उन्हीं पहाड़ों पे आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अप्रैल और मई में ही वहाँ पर जाइए। लगभग 4 घंटे में हमने 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। 6 किलोमीटर का जो ट्रैक था वो इजी था, लेकिन अब 6 से आगे का जो 4 किलोमीटर का ट्रैक है वो डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि आप देख स्टीपर है और रास्ता भी पथरीला है। ये ट्रैक कंप्लीट करने के लिए दोस्तों आपको मिनिमम 5 to 6 days लगते हैं। पहले तो आपको कसोल से ग्रहण जाना पड़ता है, ग्रहण आपकी पहली कैंपसाइट रहती है, उसके बाद ग्रहण से मिंगताज, मिंगताज से नगारू, नगारू से सारपास होते हुए आपको बिस्करी कैंप रुकना पड़ता है और फिर लास्ट डे बिस्करी से आपको डाउनवर्ड आके आपको मणिकरण तक जाना है। तो मिनिमम 5 to 6 days आपको ट्रेकिंग करते वक्त लगते हैं दोस्तों। 9 बजे हमने ट्रैकिंग चालू किया था कसोल से और अब 2:30 बज रहे और ऑलमोस्ट अभी आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे ये ग्रहण हम पहुँच चुके हैं। मतलब हमें कितना 3 और 5.5-6 घंटा लगा ऑलमोस्ट, और ट्रैकिंग मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल का था। अब हम जा रहे हैं हमारे बेस कैंप की तरफ जो कि ग्रहण में है दोस्तों। यही अपना YHI का ग्रहण का कैंप। अभी हमने ग्रहण से ट्रैक चालू किया 8 बजे। 7,500 फीट अल्टीट्यूड ग्रहण का था और वहाँ से हम अब जाएंगे लगभग 11,000 फीट अल्टीट्यूड पे, मिंगताज जगह है वहाँ पे। तो चलिए, इस ट्रैकिंग के दौरान दोस्तों कुछ जो चीज़ें हैं मस्ट आपको लेके जानी, उनमें से कुछ चीज़ें हैं जैसे कि पोंचो है वहाँ, यहाँ पे वेदर कभी भी बिगड़ता है, बारिश गिर सकती है, स्नोफॉल हो सकता है, इसलिए रेनकोट या पोंचो आपको रखना है। उसके बाद स्नो ब्लाइंडनेस से बचने के लिए आपको सनग्लास रखना है, लेकिन सनग्लास आपने ब्लू नहीं लेना है दोस्तों। और तीसरा जो चीज़ है वो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है शूज़। अगर आप रबर शूज़ लेते हैं जो कि आपको लोकल में मिल जाते हैं, कसोल मणिकरण में भी आपको 400-450 रुपीज़ में आपको रबर के जो शूज़ है एंकल तक वो आपको मिल जाते हैं, उससे आपको ग्रिप अच्छा मिलता है, आपका पैर फिसलेगा नहीं, और दूसरा बर्फ़ में चलते वक्त वो आपको बर्फ़ या पानी से भी प्रोटेक्शन देगा।
डूइंग गुड प्लीज गाइस प्लीज कम डू एंजॉय ओके द नेचर इज ब्यूटीफुल नमस्कार कोणाच्या रील बघून कोणाच्या मित्राच्या बोलण्याने येऊ नका हे ट्रेक इझी नाही आहे सारपा फिटनेस केल्यावर आहे नाही काहीच नाही बाबा तुम्ही पहिला प्रॅक्टिस करा महाराष्ट्रामध्ये दोन चार ट्रेक करा नाही फिटनेस मग इकडे या फिटनेस करा आणि माझ्यासारखं जोश दाखवा हॅलो दोस्तो अभी दोपहर के 2 बज गए हैं हमने 8 बजे ट्रेकिंग चालू किया था ग्रहण विलेज से और अब हम पहुंच गए हैं मिंच ताज जो कि है 11,700 फीट पे और हमारा जो नीचे का बेस कैंप था ग्रहण विलेज वो था आपका 7,500 फीट हाइट पे और ये जो है ये हमारा YHA का सब टेंट्स लगे हुए हैं यू कैन सी और पीछे जो है पूरी बर्फीली पहाड़ियाँ है तो नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है और वो आप जो पीछे देख रहे हैं वो और एक ट्रेकिंग का ग्रुप आया है उनका वहाँ पे है दोस्तों अभी यहाँ पे बारिश चालू हो गई है सब लोग खेल रहे थे अभी वो फ्रेंड्स अभी 7 बज गए और कर रहे सो हाउस डिनर फ्रेंड्स प्लीज एंड व्हाट अबाउट द वेदर वेदर इज आल्सो ऑसम इट्स लाइंग रेन देयर इज हेल स्टॉर्म्स इट्स रेनिंग आउटसाइड ऑलरेडी So all are enjoying. Water doesn't seep in. आज 7 तारीख 7 मई सुबह के 8 बज चुके हैं मिंताज पे है हम और आप देख सकते हैं हम छोले भटूरे खा रहे हैं गर्मा गर्म ये सिर्फ आपको YHA में ही मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता रात का कंडीशन पूछो ही मत रात कब जाएगी ऐसा हम लोग सोच रहे थे कल रात को बहुत जोर से बारिश हुई यहाँ पर फूलों के साथ सब डरे हुए थे मगर एक दूसरे को हौसला दे रहे थे मोटिवेट कर रहे थे कि कोई हार मत मानो उसमें से एग्जांपल मैं हूँ मुझे मोटिवेट किया मेरे फ्रेंड्स ने इसलिए आज मैं इधर खड़ा हूँ मगर मजा आ रहा है बाकी ऊपर वाला आगे क्या होगा नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम मिंताज टू नगारू द टाइम इज 9:40 नाउ दिस अल्टीट्यूड इज 11,500 फीट एंड वी आर रीचिंग टू 13,000 फीट नाउ द टाइम इज 9:45 वी हैड ब्रेकफास्ट एंड वी इवन वी पैक्ड द लंच एंड नाउ वी आर लीविंग एंड इट माइट टाइम फॉर लंच और हम सब यहाँ लंच कर रहे हैं अभी क्लिप ओपन मार
This is the most difficult part in this trek till time. आगे पता नहीं इससे भी डिफिकल्ट है क्या है, लेकिन हमें बहुत डिफिकल्ट लगा क्योंकि एक साइड अगर गिरे तो सीधा नीचे ही है। So, पहुंच गए आप अभी? And what's the time? हम लोग टाइम से पहले 2 बजे, हम लोग 4 बजे को पहुंचने वाले थे बट हम 2 बजे को पहुंच गए। ओके एग्जैक्टली वी डिड टू एंड देयर इज आवर कैंप यू सी I'll tell you. Hi, we reached the toughest part. No, tomorrow it will be the toughest part. From Vinkatchu, Nagaru, you can see our camp there. Really, we climbed this nose and came holding the rope and taking grip. Even there is a snowfall. Hey. Yeah, it's done. We are almost 13,000 feet high. Thank you. Where is my baby? हेलो फ्रेंड्स, अभी हम हमारे थर्ड बेस कैंप पे है जो कि नगारू है और इसका जो अल्टीट्यूड है वो 12,500 है और ये हमारे कैंप लीडर है रौनक चोपड़ा जी फ्रॉम सैन एंड दिस स्पॉट इज सराउंडेड बाय सो मेनी हिल्स और उसी के बारे में अभी हमारे रौनक चोपड़ा जी जो है वो बताने वाले हैं कि कौन सा जो हिल है वो कौन से नाम से जाना जाता है, यहाँ लोकल लोग किस नाम से जानते हैं। तो रौनक जी, हेलो गाइस, सो वो जो पीक है वहाँ पे वो तेरी पीक है, ठीक है, और जो ये रेंज है वो है चौधरी रेंज। ओके, फिर इसके बीच में ये है खौली, खौली, और उसके जो पीछे दिख रहा है राइट वो है पत्ता रेंज, राइट, ठीक है, और ये रेंज है डिकरी पाड़ा, ये पूरा रेंज, और जो सर्कल जैसे दिख रहा है ऐसा ऐसा बना हुआ वो है चंद्रखानी पास। ओके, मतलब चंद्रखानी जो YHA का और एक ट्रेक चंद्रखानी जाता है वही होगा ना ये। हेलो, थैंक यू रौनक जी। किचन में चला गया वो। Now the time is 2 o'clock. I woke up at 1 o'clock. I saw the so many stars around the sky. Yeah, and we are heading towards Sarpas now. We'll be starting by around 3 o'clock, and the team is getting geared up for it. And I think the weather is around minus 10 near to that. It feels like minus 10. I mean, we can't stay without. Now we are waiting for hot Maggie. Yeah, that's a great point. Just now we had a chai. ओके, गरम चाय। आज हम लोग सरपास क्रॉस करने वाले हैं और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है और हम लोग जस्ट अभी 2:30 बजे तो 3 बजे हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना ट्रैक सरपास के लिए। थैंक यू। तेरे मन से जिस सकते हैं।
पानी पियो पानी पियो। हेलो फ्रेंड्स, नाउ इट्स 6 o'clock एंड अब हम सारपास पे हैं। देख सकते हैं कि सभी तरफ बर्फ ही बर्फ है। ये दिस इज कैसा रहा, ओह गाइस कैसा रहा एक्सपीरियंस? वेरी गुड यार, बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि सुबह 2:30 बजे निकलना है, इतने ठंड में उसने स्नो पूरा हार्ड हो गया था, फिर फिसल रहे थे सब लोग, जितना भी लोग था बहुत डिफिकल्ट फील किया, बट यहाँ तक पहुँचे, यही हमारा जीवन है भैया। मेरी बेटी ने मुझे दिया था घर से निकलते वक्त, बैग में खुद के हाथ से डाला था, उसका था ये, और बोला था जब आप जाओगे वहाँ पे भूगला ये तो खा लेना, तो दिस इज़ फॉर सई और मैं खा रहा हूँ अभी सही। हाँ थैंक यू। फ्रेंड्स आप जो देख रहे हैं, ये यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, वहां से हमने स्लाइडिंग करते करते यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया है, और फिर डेंजरस और एडवेंचरस ये जो एक्सपीरियंस था, क्योंकि हमारे में से जो दो लोग हैं वहाँ पे जो लोग खड़े हैं ना, यू कैन सी ये जो रो है, तो यहाँ से फॉल कर गए क्योंकि बहुत ही छोटी जगह थी, और वहाँ से अचानक से स्लिप करके, लेकिन ये अच्छा था कि कुछ पत्थर वगैरह था नहीं, लेकिन बहुत ही डेंजरस एक्सपीरियंस था ये। ओके तो अभी हम नीचे जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो सारपास करने के बाद अभी ये हमारा लास्ट बेस कैंप है, इसके बाद हमारा ट्रैकिंग खत्म होने वाला है। ये बिस्करी करके जगह है, 11,000 फीट इसका अल्टीट्यूड है, और बहुत ही खूबसूरत जगह है ये भी, मतलब जितने भी हमारे कैंप साइट थे ना बहुत ही खूबसूरत थे दोस्तों। कैन सी यहाँ पे आपको बर्फीली पहाड़ियाँ भी है आजू बाजू, और इवन हमारे जो टेंट्स है, टेंटेड अकोमोडेशन है हमें दिया हुआ, एक टेंट में दो लोग,
और ऑलमोस्ट टेंट तक पूरा बर्फ आया हुआ है। अच्छा है, एकदम सही। कितने पराठे? आलू पराठा, ओके, एंड द व्यू एंड खीर, खीर खीर, ओके, एकदम सही। गुड नाइट फ्रेंड्स, ये अभी हमारा लास्ट डे है सारपास ट्रिक का, टेंटेड अकोमोडेशन है। ये हमारे पार्टनर हैं योगानंद जी, एंड ही आल्सो एंजॉयड अ लॉट, ओ हैड अ गुड टाइम। ट्रेक के आखिरी दिन हमने बिस्करी से पुलगा विलेज तक जो है ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और ये पूरा डाउनवर्ड डिस्टेंस है, ये हमने ट्रेकिंग के थ्रू कवर किया। और पुलगा उतरने के बाद वहाँ से बाय व्हीकल हम मणिकरण गए। तो इस प्रकार से हमारा जो ट्रेकिंग है वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।